आगे विदुर चरित्र का पावन महोत्सव आया। विदुर जी कौरव पक्ष में जब तक रहे जब तक धर्म रहा, बाद में विदुर जी ने छोड़ दिया, छोड़कर चले गए। विदुर जी को रास्ते में फिर उद्धव जी से मिलन हुआ। उद्धव जी से चर्चा की, भगवान कहाँ है? बोले वो तो गए, महाभारत का युद्ध कब का हो गया, हमारे लिए प्रभु ने कभी याद किया? हाँ, मैत्रेय मुनि से संवाद विदुर जी का हुआ। सृष्टि वर्णन की चर्चा आई। सबसे पहले सृष्टि में जल ही जल था। विराट भगवान ने लीला की, जल को पान किया, जल को पान किया और भगवान शयन किए तो भगवान की नाभि से कमल निकला। कमल से ब्रह्मा जी प्रकट भए। ब्रह्मा जी ने यत्र तत्र देखा कि हमारे पिताजी कौन है, समझ में आया कि कोई तो है नहीं, तो कमल की डंडी को पकड़ के नीचे तक आए, जहाँ तक श्वास बंधी रहे वहाँ तक तो ठीक, जहाँ उकताहट हो तो फिर वापस। अब समझ में ही न आए कि पिताजी कौन है, तब भगवान दिव्य आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा जी तप करो। ब्रह्मा जी ने तप किया 33,000 वर्षों तक। तब भगवान श्री हरि प्रकट भए, बोले देखो तुम हमारे पुत्र हो और तुम्हें हमने सृष्टि प्रक्रिया पर संसार रचने के लिए बनाया है। ब्रह्मा जी खुश भए। ब्रह्मा जी ने भगवान के नाम से ही 5 तत्व प्रकट किए, क्षितिजल पावक गगन समीरा। कहाँ से प्रकट भए जरा देखो, ये बहुत गौर करने वाली बात है। जब जल ही जल था तो ये 5 तत्व कहाँ से प्रकट भए? भगवान नाम से। कैसे? भगवान नाम में कितने अक्षर हैं? भगवान नाम में 5, भा गा वा, बड़ा वा है तो मात्रा पड़ी जाएगी आ, आ और ना, कितने हो गए? क्या हो गया नाम? भगवान। पहला अक्षर कौन सा है? भा से हुई भूमि प्रकट, भूमि यानी पृथ्वी। दूसरा अक्षर क्या है? गा, गा से हुआ गगन प्रकट यानी आकाश। तीसरा अक्षर क्या है? वा, वा से हुई वायु प्रकट यानी हवा। चौथा अक्षर क्या है? आ से हुई अग्नि प्रकट यानी फायर, हाँ अग्नि प्रकट। पांचवा अक्षर क्या है? ना, ना से हुआ नीर प्रकट, नीर यानी जल। यही 5 तत्व भगवान नाम से प्रकट हुए। और रामायण में कितने तत्वों से शरीर मिलकर बना है? क्या कहा? क्षिति जल पावक गगन समीर। कौन कौन? कौन कौन? पृथ्वी, आकाश, वायु, जल और अग्नि, यही 5 तत्व ना। अब समझ में आ गए कहां से प्रकट भए? ये 5 तत्व प्रकट भए। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले 4 कुमार बनाए, सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। इनसे कहा तुम भाई सृष्टि प्रक्रिया बनाने में सहायता करो, विवाह विवाह करो, शादी वादी करो। चारों कुमार बोले हम तो महाराज बिना शादी के ही रहेंगे पिताजी। और बिना पिताजी की बात माने ही चल दिए। पिताजी को बड़ा क्रोध आया। बहुत से लोग हमसे कहते हैं महाराज जी हमारा बेटा बात नहीं मानता, ये तो ब्रह्मा जी के जमाने से चला आ रहा, कोई नई बात थोड़ी है। ब्रह्मा जी के खुद पुत्र नहीं बात माने, तुम्हारे क्या खाक मानेंगे? तुम कौन सा अपने बाप की माने? बोलो सीताराम। तो चारों कुमार भाग गए, ब्रह्मा जी को क्रोध आया, तो भ्रक्टी टेढ़ी हुई। भ्रक्टी यानी भौं। जब भ्रक्टी टेढ़ी हुई तो उस भ्रक्टी से जो है भगवान रुद्र प्रकट भए, रोता हुआ एक बालक प्रकट हुआ। ब्रह्मा जी ने पूछा जाओ तुम्हारा नाम रुद्र है क्योंकि तुम रो रहे हो, तुम एक काम करो जरा सृष्टि तो बनाओ, जरा हमारी मदद करो। रुद्र भगवान ने इतने भूत प्रीत बनाए, भूत प्रीत, जिंद, बेताल, पिसाच, सांकनी, डाकनी, तो ब्रह्मा जी का माथा खराब हो गया। ब्रह्मा जी बोले बस कर भैया, कितना बनाएगा? रुद्र भगवान बोले हमारे पास तो यही मटेरियल है, हमें इसकी ही कंपनी का काम करना आता है, अगर तुम्हें चले तो बताओ वरना मना करो। ब्रह्मा जी बोले भैया तू भजन कर। भगवान रुद्र बोले यही तो हम चाहते हैं। भगवान रुद्र गए सो भजन करने लगे। ब्रह्मा जी की नासिका से 12 भगवान प्रकट भए। ब्रह्मा जी के दक्षिण अंग से एक पुरुष, वाम अंग से एक कन्या प्रकट भई, जिसका नाम रखा मनु और शत्रुपा। इन्हीं से सब मानवों की उत्पत्ति हुई, इसलिए हम तुमको सबको मानव कहा जाता है, मनु और शत्रुपा। ब्रह्मा जी ने 10 पुत्र बनाए, 10 ऋषि बनाए, जिनके वंशज हैं हम लोग। मरीचि, अत्रि, अंगरा, पुलस्त, पुलाह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देव ऋषि नारद। मरीचि, अत्रि, अंगरा,
पुलस्त, पुलाह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और देवऋषि नारद। इन 10 ऋषियों की संतान ही हम आप हैं, इसलिए किसी का गोत्र वशिष्ठ होता है, किसी का गोत्र अत्रिय होता है, किसी का गोत्र अन्य नामों से होता है, क्योंकि इन ऋषियों के संतान हैं सब, पूरी पृथ्वी के लोग। इन 9 का विवाह भी हुआ, ऋषि नारद जी का नहीं हुआ। नारद जी बिना, एक बार इन्होंने कोशिश की विवाह करने की, पर अनसक्सेसफुल हुआ, सफल नहीं हो पाया। अब फंस गए होंगे कोई लेस्टर का व्यक्ति इनके कान भरने वाला। लेस्टर के लोग, खुद का तो बसता नहीं है घर, दूसरों का भी नहीं, तो हमें तो लग रहा पक्का यहीं का कोई ना कोई रहा होगा नारद जी के साथ में। बोलो सीताराम। चुनौती बड़ी खतरनाक होती है, शादी की चुनौती नारद जी ने, अच्छा चुनौती होती खतरनाक। हमारा चेला चंगीलाल, हमारे चेला चंगीलाल, चंगीलाल से मास्टर ने पूछा कि चुनौती का परिभाषा बताओ, चुनौती क्या है। चंगीलाल तो चंगीलाल, चंगीलाल के गुरु का नाम टिल्लू गुरु। अब चंगीलाल से देखना, चंगीलाल ने चुनौती दी, पूरे पेपर को खाली छोड़ दिया, लास्ट में लिख दिया तेरे बाप में दम हो तो पास करके बता। इसका नाम है चुनौती। बाद में जब पूछा कि ये क्या है, बोले यही तो चुनौती है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो। मनु और सतरूपा की 5 संतानें भाई, 3 पुत्रियां देव पुत्र, आकुति, देवहूति, प्रसूति, ये 3 पुत्रियां हुई, 2 पुत्र भय, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो पहले पुत्रियों का वर्णन आया, बाद में पुत्रों का वर्णन आया, और आज की कथाक्रम में भोले बाबा का विवाह भी है, लेकिन आज समय बहुत हो गया, इसलिए स्पर्श भर करते हैं, कल समय पर कथा करेंगे। और कल आपको बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही, कल ठाकुर जी का कथा में अवतरण है, तो हो सके तो पीले वस्त्र पहन कर आना, हाँ तिलक लगा कर आना। कल कौन कौन नहीं आएगा, हाथ उठाओ। अच्छा उल्टा बोल दिया, आएगा कौन कौन। हाँ तो अब हम मोदी जी से कहेंगे, हे मोदी जी सामने वाली कुर्सियां कैंसिल करके यहाँ सामने गद्दा डालो, जो भक्त हैं वो नीचे गद्दे पर बैठकर सुनेंगे, जो अति VIP हैं वो कुर्सियों पर। हाँ तो हम चाहेंगे, क्योंकि अब आज बहुत से लोग ऊपर खड़े, तुम उन्हें छज्जा पे खड़े, हमें तो डर लग रहा हूँ, डर जो लग रहा हो कि आज तक हमने ऐसी तो भागवत सुनाई, ऐसी पहली बार सुना रहे। हाँ हमारे रिकॉर्ड में, आज तक के रिकॉर्ड में हमने ऐसी तो भागवत सुनाई है, ऐसी पहली बार सुनाई है। अच्छा मतलब लेस्टर के लोग होते ही अद्भुत हैं, मतलब उन्हें कथा सुनने को होता है। एक जने झूम रहे थे, हम देखे ही थे भजन जब चल रहा था, सुबह झूम रहे थे, हमें जो लोग छज्जा नहीं चिन्ह आज, लेकिन बाहरी लोग नहीं, पागलपन तो है, होना भी चाहिए, कथा का पागलपन यही होना चाहिए। तो हॉल भर गया है मोदी जी, कल एक एक दो दो लोग सब लोग लेके आओ, और 3 दिन की कथा और बची, इसके बाद हम भी चील गाड़ी पकड़ के फुर। चील गाड़ी मतलब हवाई जहाज, हमने उसका नाम रखा चील गाड़ी। चील गाड़ी, अर्थ पर जाओगे तो आप भी कहोगे गजब का अर्थ है। तो आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स। बोलो सीताराम। सीताराम। तो कल समय पर आ जाना, घर वाले अगर जितने पुरुष हैं, पुरुषों की मात्रा तो कम है नहीं, बराबर है। अच्छा पुरुष आते, कल हमसे एक जने पूछा था, बोले गुरु जी कथा में पुरुष क्यों कम आते हैं, हमने कहा घर वाली उनकी ऑर्डर नहीं देती। अब जब पत्नी धर्म पत्नी ना, उनको हाँ बोले वो क्या है बेचारे, 2 नेविगेशन होते हैं, एक कार में एक घर वाली। तो कार का नेविगेशन जैसा चलाता है वैसे ही चलता है व्यक्ति, उसी प्रकार घर वाली। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो सापत्नी बैठे हैं, तो ये विशेष धर्मात्मा है। बोलो सीताराम। ऐसे ही हमारे चंगीलाल की शादी हो रही थी, शादी
चंगीलाल की, चंगीलाल की शादी हो रही थी, तो पंडित जी से बोला, बोला गुरु जी, और टिल्लू गुरु पंडित, बोले गुरु जी बताओ दाएं तरफ बैठे या बाएं तरफ। पंडित जी भी बहुत ऊंचे थे, बोले देख लो भाई जहां उचित लगे सो बैठ जाओ, बाद में तो सिर पे ही बैठेगी। बोलो सितारा, जोर से बोलो, जोर से बोलो। तो तीसरी पुत्री, जो पुत्रियों का भी वर्णन आया, संतों का भी वर्णन आया, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, गौ माता की जय। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। देवहूति माँ के नौ बेटियां हुई, जिनका नौ ऋषियों के साथ विवाह हुआ। तीसरी बेटी जो प्रसूति थी, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। इनके 16 बेटियां हुई, जिसमें से 13 बेटियां धर्म को ब्याही गईं, एक अग्निदेव को ब्याही गई, एक पितरों को ब्याही गई, और सबसे छोटी बेटी जिसका नाम सती था, वो भोले बाबा को ब्याही गई, दक्ष प्रजापति की पुत्री। और कथा सबको पता ही है कि एक बार भोले बाबा सम्मान समारोह में गए, कहा सुनी हो गई, श्राप दे दिया, बाबा वापस चले आए, कुछ कहा नहीं। बाद में दक्ष प्रजापति अभिमान आने के कारण यज्ञ किया, सबको न्योता दिया, भोले बाबा को न्योता नहीं दिया, सती जबरदस्ती चली गई। देखो रहे मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े जुड़े गांठ पर जा। भगवान से, इंसान से, किसी भी से भी प्रेम का धागा हो चटका करके मत तोड़ो। सती जी नहीं मानी, जब गई प्राण त्याग दिए। उन्हीं सती का प्रादुर्भाव पार्वती के रूप में हुआ। बरहूं शंभुनाथ रहूं कुमारी, और तपस्या की तो शिव को पाया, और भोले बाबा के साथ माँ पार्वती का विवाह हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।